भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितनी दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा, हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी, परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म अस्त्र तेज हीन होकर लौट आया। युद्ध आरंभ हो चुका है, अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है, सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है, ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे, और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित अभ्रष्ट हो चुकी है। न केवल शक्तियां वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है।